हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जेआईपी एमएटी एग्जाम की, जो कि 10 अगस्त को होने वाला है। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कर रही है और एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोधगया के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे रहे होंगे, पर क्योंकि एग्जाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है, इसके पैटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी मॉक टेस्ट भी इसके अवेलेबल नहीं है, तो हमारी कोशिश है कि उन स्टूडेंट्स को जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक एडिशनल हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। आपके लिए हम एक फ्री मॉक टेस्ट लोड कर रहे हैं, ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। हाँ, आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। कुछ और जानकारी भी जो है जिपमेट से जुड़ी हुई, वो भी हम एक बार डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर। सबसे पहले फ्री मॉक टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, बिकॉज हम एक लीडिंग इंस्टीट्यूट माने जाते हैं आईपीएम प्रोग्राम के लिए कंट्री में, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमने एक मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया है। डेफिनेटली आपको टेस्ट देना चाहिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसका जो प्रोसेस होगा उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट है www.examiners.com, वहां जाना होगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो वहां पर साइन इन का एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ नीचे लिखा हुआ आता है डोंट हैव अकाउंट साइन अप फॉर फ्री, उस पर आप क्लिक करें। फिर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होंगी, आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, आपको अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट करना होगा, मोबाइल पे ओटीपी भी आपके पास आएगा। वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद जैसे ही आपका अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, इमीजिएटली एक कोर्स आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम फ्री कोर्स कहते हैं। उस कोर्स को एक्टिवेट करने एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने लॉगिन किया हुआ है, वैसे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉगिन अकाउंट पे ले जाता है, अदरवाइज आप लॉगिन करने के बाद माई एनरोलमेंट पे क्लिक करें और माई एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद वहां पर एक कोर्स होगा जिसपे लिखा होगा फ्री वीडियोस लाइव क्लासेस एंड टेस्ट। उस पर क्लिक करने पर आपके पास में जिपमेट मॉक टेस्ट फॉर आफ्टर 12th स्टूडेंट्स फ्री का एक ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करके अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो, उसके इमीजिएट बाद में आपके पास में आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, आपने कैसा परफॉर्म किया है स्कोर आ जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसका एनालिसिस जरूर देखें, इससे आपको ये आइडिया हो सकेगा कि किस तरह से आपको इस पेपर को परफॉर्म करना चाहिए था। तो फ्री मॉक टेस्ट हम अभी जिपमेट का हम पहला फ्री मॉक टेस्ट लोड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं फॉर देयर वेरियस प्रोग्राम्स लाइक बीएमएस बीबीएफआईए, वो भी हम लोड करेंगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो है उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए भी एक फ्री मॉक टेस्ट लोड करेंगे। जेवियर्स बॉम्बे के लिए भी डेफिनेटली हम एक फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए लोड करेंगे। और अगर कोई और ऐसा ही कोर्स हमें जिसमें हमें लगता है कि कुछ हम आपको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हम मॉक टेस्ट जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते रहें और हमारे से टच में रहें। अगर हम इस पेपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है ओवरव्यू। एग्जाम कब हो रहा है, 10 अगस्त 2021 को। ओके, टेस्ट ड्यूरेशन कितनी है, 150 मिनट्स। इसके अलावा और कोई जानकारी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं दी है। नंबर ऑफ सेक्शन 3 है, हाँ ये उन्होंने बताया है कि पहला सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, दूसरा सेक्शन होगा वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तीसरा सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का। ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, वो एग्जाम में हो सकता है शायद पहला सेक्शन आपको इंग्लिश का मिल जाए, दूसरा लॉजिकल का मिल जाए, बट हाँ ये 3 प्राइमरी सेक्शन होंगे जो आपको एग्जाम देते समय मिलेंगे। सेक्शनल टाइम लिमिट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और हम यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि 99% चांसेस तो यही है कि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होगी, अदरवाइज इसको वो ऑलरेडी मेंशन कर देते। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें 33 क्वेश्चंस होंगे, 34 क्वेश्चंस होंगे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और 33 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में। इन ऑल 100 क्वेश्चंस होंगे। नाउ 100 क्वेश्चन 150 मिनट्स, तो अगर हम यहाँ पर रेशियो देखते हैं तो 2 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 मिनट होंगे, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन को करने के लिए 90 सेकेंड्स, क्योंकि जो स्पीड है वो आपको हाई रखनी होगी। अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में होना चाहिए। मार्किंग सिस्टम है, अगर आपने सही मार्क किया है क्वेश्चन को तो +4 मार्क मिलेंगे, गलत करने पर -1। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, जिन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनमें ना तो कोई मार्क्स आपको मिलेंगे ना ही कोई मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वहाँ मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन होता है, दैट मीन्स आप उन क्वेश्चंस को वापस रिवर्ट बैक कर सकते हैं फ्यूचर में। मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि जब भी आप मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करके किसी क्वेश्चन को बाद में रेफर करते हैं या आपने ऑलरेडी आंसर मार्क कर दिया है और मार्क फॉर रिव्यू में जाते हैं, तो हमेशा जो डायरेक्शंस हैं उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, बिकॉज कई एग्जाम्स में ऐसा होता है कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू हटाया नहीं है तो उन क्वेश्चंस को
फाइनल कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। सो दैट मीन्स अगर मार्क फॉर रिव्यू आपने कर दिया है, आपने फाइनली अपना आंसर कर दिया है, मार्क फॉर रिव्यू हटाइए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए एंड देन आगे मूव करिए। ये छोटी सी सावधानी आपकी मेहनत में एक पॉजिटिव आउटपुट यहाँ पर जो है रिजल्ट दे सकती है, राइट। पेपर को करने के लिए अगेन मेरा एक सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। हम तीन तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, कैटेगरी ए क्वेश्चन देखते ही हो गया है, कैटेगरी बी आपको मालूम है आप कर लेंगे पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, कैटेगरी सी वो क्वेश्चन जिनके अंदर आपको मालूम है कि कुछ गलतियां हो सकती है या मुश्किल में आप उलझ सकते हैं। तो सबसे पहले पूरे पेपर में वो क्वेश्चंस करिएगा जो कैटेगरी ए के हों, फिर गो टू कैटेगरी बी एंड देन गो टू कैटेगरी सी। अगर हम पेपर के बारे में बात करें कौन कौन से सेक्शनल कट ऑफ है वो अगेन हमें डिसाइड नहीं की गई है, अज्यूम हम यही कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्क्स पे ये फोकस होना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, उन्होंने अपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी साइट पे लिखा हुआ है कि हम आपके अप टू 10th लेवल की मैथमेटिक्स को ही चेक करेंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा कई एग्जाम्स में लिखा होता है वो कुछ क्वेश्चन 11th की कैटेगरी के भी ले लेते हैं। तो कौन से टॉपिक्स मैथ्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका एवरेज है, एलिगेशन एंड मिक्सचर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरिएशन जनरली आप मान के चले शायद मुश्किल ही होगा, यूनिटरी मेथड का हाँ इस्तेमाल हो सकता है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, उसके जो बेसिक एप्लीकेशन है, ट्रेन बोट्स रेसेस वो सब आ सकते हैं, एजेस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली पार्ट रेशियो का है एंड पार्टनरशिप ऑल्सो ये भी रेशियो का ही एक पार्ट होता है, ज्योमेट्री एवरग्रीन है हर एग्जाम में आती ही आती है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, इक्वेशंस आपने पढ़ी है, लीनियर क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बेसिक चीजें हैं आ सकती हैं, नंबर सिस्टम आप हमेशा 10th तक आपने डेफिनेटली पढ़े हैं पूछे जा सकते हैं, सर्च एंड इंडाइसेस यस थोड़े चांसेस कम हैं लेकिन हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्या उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस कम हैं लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, हम सजेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक को आप एक बार गो थ्रू जरूर करें। इंग्लिश की अगर हम बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हो सकता है एक या दो पैराग्राफ आपको जरूर मिले वहां पर, पैराजम्बल जहां सेंटेंसेस को शफल करके आपको दे दिया जाता है और आपको उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, इंग्लिश यूसेज ग्रामर, अब इसके क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जाते हैं, एक कैटेगरी ये है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए गए और बोला गया कि इनमें से इनकरेक्ट सेंटेंस को इनकरेक्ट पार्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करिए, एक कैटेगरी हो सकती है जहां पर एक सेंटेंस का एक पार्ट आपको अंडरलाइन करके बोला जाए इसे रिप्लेस करिए, थर्ड कैटेगरी हो सकती है जहां पर आपको एक ही सेंटेंस को 4 अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट किया जाए और बोले पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा सही तरीका है। ग्रामर के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। हो सकता है आपसे ये भी कहा जाए कि यहाँ पर एक सेंटेंस हमने पूरा लिख दिया है, इसको रिप्रेजेंट करने का बाकी चार ऑप्शन में से कौन सा तरीका है। एक तो तरीका था जहाँ चार ही सेंटेंसेस आपको दिए जाए, एक यहाँ पर ऑलरेडी एक सेंटेंस दिया जाएगा और फिर उसके चार रिप्लेसमेंट होंगे, एक वर्ड दिया जा सकता है उसके यूसेज दिए जा सकते हैं सेंटेंसेस में, तो बहुत सारी वैरायटी है, राइट। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ये सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, यहां पर तो क्लोज टेस्ट हो सकता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया है उसमें कई सारे वर्ड्स मिसिंग कर दिए हैं, तो ये तो एग्जामिनर के ऊपर है, बट दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न जो आपके एग्जाम में मिलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस यस इसके क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पर हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो है एनालिटिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग आने के चांसेस कम है लेकिन क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है तो हम एक बार अगेन आपको सजेस्ट करेंगे कि इन एरियाज पे भी आप फोकस करें। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज ऑड वन आउट, एनालॉजी, लेटर सीरीज, ऑड वन आउट, इसके साथ हम कोडिंग डिकोडिंग भी यूज कर सकते हैं। फिर पाथ्स एंड डायरेक्शंस के क्वेश्चंस काफी रेगुलरली पूछे जाते हैं, रूट्स एंड नेटवर्क हो गया है, आपका ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं, एंड देन आ जाती हैं कुछ एनालिटिकल पजल जहां पर सिलेक्शन करना होता है कैंडिडेट्स का, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग होती है, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ डबल लाइनअप हो सकता है, मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकती है, और सारा कुछ अगर बच जाता है तो उसको हम एनालिटिकल पजल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। विजुअल रीजनिंग भी आ सकती है जहां पर आपको अलग अलग मे बी एक जैसे क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन होता है, आपको एक डाइस के अलग अलग फोटो दे दी जाए एक ही डाइस के और फिर ये पूछा जाए बताइए किस नंबर के ऑपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चंस आपके साथ हो सकते हैं। या फिर सेट थ्योरी में जहां वेन डायग्राम आपको दे दिया जाए, अलग अलग जोन हमें बता दिए जाए और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाए, यहां पर बाइनरी जो कोडिंग होती है उस पर भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ए स्टार बी करके आपको कोई रिलेशन दे दिया जाए फिर पूछा जाए व्हाट इज 7 स्टार 3, ये सारे क्वेश्चंस इस कैटेगरी में हम यहां पर शामिल कर सकते हैं।
डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमनली टेबल्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, जनरली हम ये चार जो पार्ट हैं उन पर फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, एग्जामिनर कई बार मिक्स ग्राफ भी कर देते हैं, मिसेलेनियस ग्राफ्स, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक हमारे काम आ सकते हैं, अच्छा एक डेटा सफिशियंसी जो है वो वैसे तो जनरली मैं उम्मीद नहीं करता कि वो पूछेंगे, क्योंकि आजकल बहुत कम जगह डेटा सफिशियंसी पूछी जाती है, बट आप उस पर भी एक बार नजर रखें। वर्बल रीजनिंग की बात करें तो अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फरेंस एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड लॉजिकल डिडक्शन, जिसको आप सिलोजिज्म भी कहते हैं, ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। समय आपके पास कम है, आप बहुत ज्यादा चीजों में अभी समय उलझे नहीं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू जो हमें लगता है और इसी को हमने ध्यान में रखते हुए अपना एक फ्री मॉक टेस्ट बनाया है। आप उस टेस्ट को जरूर दें। अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई काउंसलिंग चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, तो आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से आप राइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।